कामरान आ गया हैरी हो सुबह सुबह। कामरान तो रहता है कहीं जा रहा है बैग पहन के आ गए। पूछते हैं जाके, मेरे हिसाब से इसने लाहौर जाना था। क्या है कामरान आया हुआ? क्यों वो आपका पूछ रहे? लगता है जा रहा है लाहौर। है कामरान, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, परदेसी बुलवाया तो मुझे तो कहते कि बाजी बुलवा रही हैं, तो उनका दरवाज़ा तो मैं लॉक नहीं कर सकता ना जब तक बाजी नहीं मुझे कहेंगी, तो मुझे नहीं पता किस लिए बुलवाया है। आप लाहौर जा रहे हैं? हाँ जी। हो सकता है कुछ देना हो आपको? तो पता नहीं ना, और मैंने कर लिया सारा वो चीज़ों का, आप जरा देख देना मेरे को कहा देख दो। कह रहे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और बाबा वगैरह ने भी मना कर दिया जी, हमें तो डर लगता है कुत्तों से। और सब कह रहे मैं कहीं जा रहा हूँ, तो चूजे देख रहे ना सब सही सेट पे। असद की ड्यूटी लगा देना। असद ने तो साहब मना कर दिया, कह रहे जी मैं चला वा तुसी जान दे साहब जान। तो फिर कौन संभालेगा चूजे? बस भाई तो चार्जिंग के लिए जा रहे हैं। नहीं तो कौन संभालेगा पीछे से? हम ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी की ड्यूटी लगाई, मेरी तो किसी ने माननी नहीं है। चल मैं कह देता हूँ फिर। हाँ, कुत्तों की और कुत्तों के बर्तन धो के पानी देना, उन्होंने पानी नहीं पीना 2 दिन तक उन्होंने, और रोटी 2 टाइम में देता हूँ सुबह शाम, ठीक है। और चूजों को फीड भी वहीं पे रखी हुई, फीड में बाजार से ले आया था, वो सिर्फ फीड 1 टाइम ही देनी है, 1 दिन में प्याली भर देनी है। चलें कुत्तों को तो संभाल लेंगे, चूजों का मैं उन्हें कह देता हूँ। चूजे बस मान ना दे, बाबे के आगे नज़र पड़ी कि मुझे दे दो मुझे दे दो। चलो मैं कहता हूँ उनसे, ठीक है। दिल परेशान हुआ जाने के लिए, बस मजबूर के तहत जा रहे शिवरात की वजह से। अच्छा, तो बस उन्हें मैंने नहीं जाना था, अपना तो जानवर अभी भी नहीं। मैं अख्तर भाई के पास रखवा दिया हुआ है, मैंने मैं अख्तर है ना, उसके पास रखवा दिया हुआ, क्या आप जब मर्जी आके ले जाना। क्या चीज़? वो जो गाय का बच्चा है छोटा। चलो मैं आपको अंदर से जो कुछ इसलिए मैं आपको कह रहे हैं आपके पास कुछ डालेगा नहीं। ये देखिए शहर की मक्खी आई है। अच्छा भाई आपके साथ तस्वीर खिंचवा लूँ एक? ये देखिए शहर की मक्खी। आपके साथ तस्वीर खिंचवा लूँ एक? हाँ खिंचवा लूँ। बुलाए जा रहे हैं चले ऐसे ना, आप हमसायों के पास जाएँ आंटी की तरफ ना। वो कह रहे थे कामरान ने जब लौट जाना हो ना तो फिर मुझसे कह रहे थे आपको किराया देंगे वो आंटी। ठीक है, अच्छे हमसाए हों तो ये फायदे होते हैं। अच्छे? हाँ, कामरान तो गया लाहौर। देखे ये कामरान पहुंच गया हमसाए के दरवाजे पे। कामरान भी बड़ी तेज चीज़ है, हर जगह पे अपने लिंक बनाए हुए हैं। हमसाए के कोई भी देता रहता है ना सब्जी शब्जी, ये वो इधर लिंक बना रही है। अभी वो प्रेस से हमारा एक बंदा जा रहा है ना गाड़ी में लाहौर, तो उससे लिंक बना रही है, उसके साथ बैठ के गाड़ी में लौट चला जाएगा। तो इधर एक बंदे के पास जाते हुए अपनी कट्टी रखवा दी है, उससे लिंक बना रही है। बड़ी तेज चीज़ है। आज नाश्ते में जो है वो बकरे का मगज़ कल तैयार करवाया था कि नाश्ते में मगज़ खाएंगे। अरे ये तो मगज़ बना रहा है, ये प्रधान मगज़ तैयार कर रहा है। वो खाना नहीं है आपके लिए बनाना? कहते ना मगज़ नहीं खाता, 13 साल से यही काम। कल मामा ने जुबान बनाई थी। जुबान फिर तो बड़ी लंबी बनाई होगी, मगज भी खा लिया होगा फिर तो। मैंने नहीं खाया, स्पेशल किया है मामा ने, अच्छी तरह बनाना ठीक है, कच्चा ना हो। ये बस अगर हो गया तो कच्चा ना हो, हो गया
हाँ जी बूटा जी और नहीं ढोलकी वाला आ गया जी म्यूजिक सुनते हैं फार्म के दरवाजे पे पुली की तामीर हो रही है के अंदर पुरसकून माहौल है। ये देखिए लगता है मोबाइल खाने आ गई। ये बड़ी लालची होती है, देखिए उंगली करेंगे ये उंगली खाने लग पड़ेगी। हर एक चीज़ चाहिए खाने के लिए। इत्तफाक, क्या नाम बताया उन्होंने? इत्तफाक ग्रुप। इत्तफाक, इत्तफाक ग्रुप मियां ब्रदर्स। अच्छा, इत्तफाक ग्रुप मियां शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब का ये ग्रुप है, उन्हीं का है जी? उन्हीं का ही। सेक्रेटरी की कॉल थी, उनके सेक्रेटरी की कॉल थी, उनके कोई मियां साहब में पता नहीं है कौन, उन्हें बकरियां चाहिए। वो मुझसे बात करना चाहते हैं, अभी उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। ये जी बकरी का दूध निकाल लिया है, कितना वेदा? ये तकरीबन 1.5 किलो। 1.5 किलो स्थान बच्चे खेल रहे हैं। अरे स्थान बच्चो, मजीद स्थान बच्चे आ रहे हैं खेलने के लिए। इस स्थान बच्चे के तो कान ही बड़े लम्बे हैं। आगे ना पीछे भाग के। ये देखिए चल। अच्छा
चलिए ठीक है, जो कुछ 3-4 हो गए फर सेल में कह देते हैं उन्हें आपको, फिर इनके बारे में मालूम दे। जी जी है व्हाट्सएप। अच्छा ठीक हो, ठीक इस साल तो सेल सारे हमने कर दिए, अब नेक्स्ट ईयर है इसी माह में मिल जाएंगे आप। ये मियाँ साहब के सेक्रेटरी से भी बात हो गई है, 3-4 जानवर हमारे पास फार सेल हैं इस बार, सारे बाकी सेल हो गए, कुछ दिनों तक वो लेने आएंगे। आ गई आज मैदान में, पुरानी कुत्ती है ना, इसका एक बच्चा रह गया, अब बाकी तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। जाहिर बंदे आज आप हर चीज दिखाते हैं, ये चेक करें, आज आपको एक खास चीज दिखाते हैं जी, ये है वो खास चीज, ये है भांग, ये बहुत बुरी बू है इसकी, ये हम खुश कर रहे हैं जनाब खरगोशों के लिए, ये इसके भांग के बड़े फ़ायदे होते हैं, अब तो पूरी दुनिया में ये काश्त हो रही है, ये बाहर लगी होती है इधर, तो बाहर से काट के ला के ये खुश कर लेते हैं, खरगोश बड़े शौक से खाते हैं। ये लूसन है ना, साथ भांग भी खा जाते हैं। और जनाब मोगरे भी काफ़ी सारे उतारे हुए हैं, चील भी घूमने जा रही है, मोगरे देखते हैं। कितने होंगे, 15-20 किलो होंगे, 15 किलो, 10 किलो मोगरे तकरीबन। चलो तोड़ लो, ऐ तो बिल्कुल ठीक नहीं है, पक्के कोई नहीं है। आए तो जना वो सूरज की करके पीछे गरूब हो रहा है, अपना हिसाब भी है वो मुल्ला की दौड़ मसीद तक ही बना हुआ है, काफ़ी अरसे से कहीं आने जाने नहीं हो पा रहा, सुबह घर घर से फार्म पे, ये रैबिट फार्म पे, ऑफिस में, और इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है। कितना बड़ा अंदर से, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा फ्यूचर में, ये तो कोई नहीं पता, मेरे हिसाब से तो इसी तरह लगते हैं, बड़े हो जाते हैं, बट ये लाए जाए ना तो कोई फ़ायदा भी है, सूरजमुखी का कोई फ़ायदा भी है। बीज जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, बट साहब क्या फायदा है दा? ਇਹ ਕਨੋਲਾ ਆਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਚੋਖਾ ਲਾਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੋਖਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੇ ਦਾ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ,
ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਪੈਂ ਚੜ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਗੋਭੀ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਭੀ ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੌੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਨਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹਿਸਾਬ ਹੋਤਾ ਹੈ अचानक से इसका धुआं नज़र आना शुरू हो गया है तो ज़रा ये पीछे से है कि पहले इसका धुआं नहीं था अब धुआं आना शुरू हो गया ये पता नहीं क्या चक्कर होता है इनका ये रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे हम घर आ गए हैं आज मंसूर के बेटे की सालगिरह थी और सारे वहाँ पे गए हुए हैं घर में कोई भी नहीं और हम किंग हैं घर में इस वक्त ये देखें जनाब ये है नमक पारा जब हम छोटे थे ना तो उस वक्त हम ये खाते थे ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है और ये गिफ्ट आया जनाब हमसायों की तरफ से और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमेशा दुआ किया करें कि हमसाए अच्छी हों तो गिफ्ट बढ़िया